जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय राम जन्मभूमि पथ मार्ग पर हैं और यहाँ से राम जन्मभूमि पथ के कुछ हालात दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं वर्क कितनी तेजी से यहाँ पे हो रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं सड़कों पे टाइल्स एंड मार्बल का लगना स्टार्ट हो गया है। दस साइड में आप लोग देख सकते हैं हेल्प सेंटर है जो कि निःशुल्क है। यहाँ पे आप लोग अपने सामानों को रख सकते हैं सुरक्षित, और यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं अंदर जाकर, जो कि निःशुल्क है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ वर्कर्स लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ वर्कर्स लोग कार्य कर रहे हैं जो कि सड़कों पर टाइल्स लगाया जा रहा है। कितनी बारीकी से कार्य हो रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कितने ज़्यादा धूप में भी ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इनका काम सराहनीय है जो कि राम मंदिर के सहयोग में कर रहे हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं इस साइड की जो सड़कें हैं यहाँ पर बन गई, पर इधर अभी टाइल्स नहीं लगे हैं और इस साइड लग गए हैं। और ये जो ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर सुग्रीव किला है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इधर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइल्स को रख दिया गया है। और आगे आप लोग जो ये वाला गली देख रहे हैं, इस गली से इस गली से हनुमानगढ़ी जाया जाता है, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। आप लोग हनुमानगढ़ी का ऊपरी वाला मीनार भी देख सकते हैं। तो कुछ ये हालात हैं। और आप लोग देख सकते हैं राम जन्मभूमि पर पथ पर लाइट्स का भी निर्माण हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे लाइट्स लग गए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये जो सुग्रीव किला था, इसका भी कुछ अंश टूट गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निर्माण करा दिया गया है इसका। और आगे आप लोग देख सकते हैं कुछ ये हालात है यहाँ पे। आगे आप लोग देख सकते हैं कुछ दुकानें लगी हुई हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर जब आते हैं तो आपको प्यास लगेगी तो आप लोग रस पी सकते हैं। और आगे कुछ फल वगैरह बिक रहे हैं। तो यही सब कुछ है इस राम जन्मभूमि पथ पर, और कुछ आगे बहुत कुछ है तो दिखाएंगे आपको आगे भी क्या क्या है। ये आप लोग देख सकते हैं पानी का टैंक है जिसमें पानी भर दिया गया है, और इसे मार्ग पर गिराया जाता है जिससे धूल मिट्टी जो है कम उड़े, और इसे पानी को पिया भी जाता है क्योंकि स्वच्छ पानी आप लोग देख सकते हैं बोरिंग से आ रहा है। और इसके आगे कुछ पुलिस कर्मी लोग बैठे हैं जो कि यहाँ पे देखते हैं कौन कैसे क्या कर रहा है, आ जा रहा है। इस साइड आप लोग देख सकते हैं सरिया रखा गया है, जो कि इस रोड में इसको लिया जाएगा उपयोग में। और इधर आप लोग देख सकते हैं रोड के बीच में टाइल्स के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को लगाया गया है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा है और कितनी बारीकी से यहाँ पे वर्क किया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन है जो कि आधुनिक मशीन है, और उससे कुछ वर्क किया जा रहा है वहाँ पे। आइए चलते हैं वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं उसे क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो मशीन है आप लोग देख सकते हैं, इसमें गिट्टी और सीमेंट और मोरंग को मिलाया जाता है जिससे सड़कों पर लिपाई किया जाता है। तो यही है, इसको अभी धुला जा रहा है। इसके अंदर जो मतलब
गिट्टी और मोरंग सीमेंट जो मिले थे अब उसको उसमें लगे होते हैं, तो उसमें पानी मार के उसको धुला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं नीचे पानी गिरा हुआ है। तो ये है यहाँ की हालात और इसके कुछ वर्ग। और इधर आप लोग देख सकते हैं टाइल्स के काफ़ी टुकड़ों को यहाँ पे रखा गया है जो कि आगे है। और ये छोटे छोटे टुकड़े जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, इनको टाइल्स के बीच में लगाया जाता है। इनसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आगे आप लोग ये देखिए, ये वाला एरिया आगे वाला देख रहे हैं, ये राम जन्मभूमि का एरिया है। इस सड़क पर काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें एक कमी दिखी है जो कि ये पेड़ पौधों का कमी है। अगर इस सड़क पर पेड़ पौधे लग जाते हैं तो इस सड़क का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा, क्योंकि पेड़ पौधे तो वैसे ही प्राकृतिक हैं और उनसे आप लोगों को पता है छांव मिलती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है, हमको ऑक्सीजन भी मिलता है। तो पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं हमारे लिए वायु कितना ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है। बाकी आगे आप लोग देख सकते हैं राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का, जो कि आप लोग दो बड़े बड़े क्रेन टाइप मतलब टावर टाइप के क्रेन दिख रहे होंगे आपको, तो वहीं पे हो रहा है। और यहाँ से उसका कुछ थोड़ा बहुत अंश दिख रहा है हम लोगों को। बाकी इधर आप लोग देख सकते हैं ये राम मंदिर का एरिया है, और जो आगे आपको दिखाएंगे यहाँ से मतलब जो राम मंदिर में दर्शन करते हैं यहीं से निकलते हैं वो लोग। एंटर तो आगे से होता है, लेकिन जब ये सड़क बन जाएगा पूरा मतलब मार्ग, तो इसी मार्ग से डायरेक्ट एंट्री होगा। लेकिन अभी यहाँ से एंट्री नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें निर्माण कार्य चालू है। और आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पिलर्स लगे रखे हुए हैं जो कि इसी मार्ग पर लगेंगे। और ये आगे वाला जो मार्ग आप लोग देख रहे हैं ये निकासी मार्ग राम मंदिर का, यहीं से श्रद्धालु लोग निकलते हैं। और आगे यहाँ से जाना अलाउ नहीं, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पुलिस वाले लगे हुए हैं, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग कुछ एरिया इधर से कवर करेंगे, चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या है। आप लोग सामने देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे भगवान श्री राम के झंडे यहाँ पे हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और शानदार दिखते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाले का निर्माण किया जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं बैरिकेड लगा हुआ है यहाँ पे, इस साइड गड्ढे को खोद दिया गया आप लोग देख सकते हैं। और इस साइड भी वही वक्त कार्य हो रहा है। और ये आप लोग ये वाला जो मंदिर देख रहे हैं सामने, ये राम मंदिर है, जिसमें निःशुल्क भोजनालय कराया जाता है जो कि निःशुल्क रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, आप लोग देख सकते हैं इस साइड भी देख सकते हैं और इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं श्रद्धालु कितने ज़्यादा मात्रा में आए हैं, जो कि इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है फिर भी श्रद्धालु आते हैं एक भाव लेकर। आप लोग इधर देख सकते हैं छते हुए लोग बैठे हुए आराम कर रहे हैं, उनके चेहरे को देख कर पता चल जाता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगी है, प्यास भी लगी है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना इस समय। धूप आप लोग देख सकते हैं, दोपहर का समय अभी 1:35 हो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस साइड का कुछ ये हालात है। और ये वाला जो मार्ग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला मार्ग राम जन्मभूमि में जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितना ज़्यादा मात्रा में है। आगे आप लोग देख रहे हैं ये जो आप लोग देख रहे हैं रिक्शे को, इसमें विकलांग लोगों को दर्शन कराने के लिए ले जाया जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं, इसलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।